अनवेलिंग द मिस्ट्री, रहस्य का खुलासा। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां सुपरकार्स क्यों नहीं बना रही हैं? नमस्कार, ऑटो एंथुजियास्ट, इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर विचार कर रहे हैं जिसने कई लोगों को परेशान किया है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां सुपरकार क्यों नहीं बना रही हैं? इसके साथ भारत के दो ऑटोमोटिव दिग्गज टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने सुपरकारों के क्षेत्र में कदम क्यों नहीं रखा? आइए इस फैसिनेटिंग टॉपिक के ऊपर हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसके पीछे का राज। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत को देखना चाहिए। हिस्टोरिकली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर मार्केट को पूरा करने के लिए अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल बनाने पर फोकस किया है। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस लग्जरी कार्स के बजाय प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर ज्यादा जोर दिया है ऑटोमोबाइल कंपनियों ने। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने बड़े पैमाने पर मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूटिलिटी व्हीकल्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ सुपरकार, जो हाई परफॉर्मेंस फीचर्स एंड लग्जरी अपीयरेंस के लिए फेमस है, और इसीलिए ये सुपरकार सिर्फ अपर क्लास लोगों के मार्केट को टारगेट करती है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा कमर्शियल ट्रक्स, ट्रैक्टर से लेकर पैसेंजर व्हीकल्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि उनके लाइनअप में सुपरकार्स की अनुपस्थिति एक सवाल उठाती है, और वो कौन से कारण है, आइए देखते हैं। एक मेजर फैक्टर है जिसे मार्केट में डिमांड कहा जाता है। दरअसल एक ऐसे देश में जहां मेजॉरिटी कंज्यूमर्स फ्यूल एफिशिएंट, अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल इन जैसी कार्स को प्राथमिकता देते हैं, और सुपरकार्स की डिमांड रिलेटिवली लो है भारत में फिलहाल। ये ही कंज्यूमर्स की नीड को देखते हुए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी स्ट्रेटेजीज बनाती है उस हिसाब का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। हमारे रोड्स एंड ट्रैफिक की कंडीशन सुपरकार्स के लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। सुपरकार्स को स्मूथ रोड्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक ड्राइविंग कंडीशंस की आवश्यकता होती है, जो हमारे रोड नेटवर्क्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के पास इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज है, जबकि सुपरकार्स की प्रोडक्शन के लिए इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और इस सुपरकार को डेवलप करने के लिए एक्सटेंसिव R&D, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एरोडायनामिक्स डिजाइन में एक्सपर्टीज होना जरूरी है, जो इन भारतीय कंपनियों के लिए चैलेंजिंग टास्क है। एक सुपरकार को डेवलप्ड करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। भारतीय कंपनियों को इस नीच सेगमेंट में ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना इकोनॉमिकली चैलेंजिंग लग सकता है, और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट एंड इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना प्रोहिबिटिव यानी निषेधात्मक हो सकता है भारत में। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है भारत में। सख्त इमिशन नॉर्म्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर एक और कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड करती है। इन नियमों का पालन करना सुपरकार डोमेन में कार्य करने के इच्छुक भारतीय ऑटोमेकर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट हर्डल हो सकता है। सुपरकार सेगमेंट में एक ब्रांड के इमेज को एस्टेब्लिश करना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सुपरकार ब्रांड्स की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इसे एक कंपनी को अलग ही पहचान मिलती है। भारतीय ऑटोमेकर्स को शुरुआत से एक सुपरकार के रूप में तुलनीय छवि बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां सुपरकार बनाने की सोचते भी नहीं है आजकल। और ब्रांड छवि और अनुभव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रगेडनेस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान बनाई है, और सुपरकार सेगमेंट में एंटर करना संभावित रूप से उनकी ब्रांड छवि को कमजोर कर सकता है, और कंज्यूमर्स इसे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। इसे कंपनीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा है ये झिझकते हैं सुपरकार्स बनाने के लिए। इन चुनौतियों के बावजूद टाटा मोटर्स और महिंद्रा सुपरकार सेगमेंट को एक्सप्लोर करने पर विचार कर सकते हैं। DC डिजाइन और वजीरानी ऑटोमोटिव जैसे स्वदेशी ब्रांडों की सफलता हाई परफॉर्मेंस वाली व्हीकल्स बनाना भविष्य में घरेलू सुपरकार्स की क्षमता को प्रदर्शित करता है। आज ग्लोबल सुपरकार मार्केट हाईली कम्पेटिटिव है, जिसमें यूरोप, अमेरिका और जापान के ब्रांड्स ने डोमिनेट करके रखा है, जैसे कि लंबोर्गिनी, फेरारी, पोर्शे, मैक्लारेन, GTR एक्सेट्रा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए न केवल सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता है, बल्कि ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी भी जरूरी है। हालांकि करंट सिनेरियो भारतीय सुपरकार्स को फेवर नहीं कर सकता है, पर भविष्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे ऑटोमोटिव मार्केट इवॉल्व हो रहा है, लाइक एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, इसे भारतीय कंपनियों के लिए सुपरकार डोमेन में आने वाले वर्षों में एक नया मार्ग तैयार हो सकता है।
और इसके बाद भारतीय कंपनियां भी सुपरकार्स को एक्सप्लोर कर सकेंगी। और आपके पास अब इसके पीछे का कारण है कि भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां इस समय सुपरकार क्यों नहीं बना रही हैं। क्या आपको लगता है कि हम भविष्य में एक भारतीय सुपरकार देखेंगे? नीचे कमेंट में अपने राय साझा करें। और इसके अलावा टाटा कैसे भारतीय ईवी मार्केट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ये वीडियो भी आप यहां देख सकते हो, इसका लिंक है आई बटन में। एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव एंड स्पेस कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।